गुड मॉर्निंग सभी को, जो हमारे क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं। अभी तक आप लोगों ने जो फिजिक्स का पहला पेपर पढ़ा था उसमें 3 चैप्टर पढ़े थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे जो है 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं गॉसस थ्योरम तक, ठीक है। अब हम लोग फिजिक्स का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। जो फिजिक्स का सेकेंड पार्ट है आपका चैप्टर 1 कहलाएगा, वो है लाइट, ठीक है। लाइट आप जानते ही हैं कि लाइट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। विदाउट लाइट लाइफ कैन नॉट बी पॉसिबल, नहीं लाइट के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। ये हमारा क्या आज के समय में एक नेसेसरी पार्ट बन चुका है, ठीक है। बात करते हैं ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स है क्या? ऑप्टिक्स हमारा एक सब्जेक्टिव पॉइंट है, ठीक है। ये कह सकते हैं सब्जेक्ट है ऑप्टिक्स। ये ऑप्टिक्स, इस ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं। यानी ये ऑप्टिक्स हमें लाइट की पूरी डिटेल्स के बारे में क्या करता है, स्टडी करता है। यानी ऑप्टिक्स का मतलब ही होता है लाइट, ठीक है। तो ऑप्टिक्स क्या है, ये भी क्या है, फिजिक्स की ब्रांच होती है ऑप्टिक्स, ठीक है। यानी फिजिक्स के हमारे बहुत सी ब्रांचेस होती हैं जिसमें हम फिजिक्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे जैसे हायर क्लास में जाते हैं। तो इसी तरह फिजिक्स का एक पार्ट होता है हमारा ऑप्टिक्स, ठीक है। ये ऑप्टिक्स क्या बताता है हमें, लाइट के बारे में बताता है। यानी हम लाइट के बारे में इसमें डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानिए कि लाइट है, ऑप्टिक्स है क्या चीज, ठीक है। ऑप्टिक्स जो है ये हमारी क्या है, ब्रांच है फिजिक्स की। और ये किसके बारे में बताता है, नेचर के बारे में। यानी इस ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम लोग नेचर का स्टडी करते हैं, ठीक है। किस चीज का स्टडी करेंगे, पहला नेचर, स्टडी ऑफ नेचर, ठीक। दूसरी चीज प्रोडक्शन, यानी लाइट कैसे, लाइट का कैसे प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तीसरी चीज यह ऑप्टिक्स हमें बताता है प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, लाइट कैसे प्रोपोगेट करते हैं, ठीक है। यानी ऑप्टिक्स क्या है, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है। क्या है, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स अबाउट स्टडी ऑफ नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, करते हैं, पढ़ते हैं। तो ऑप्टिक्स क्या बताएंगे, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स का मतलब कुछ चीज, किसी चीज को इंडिकेट करना, बताना, ठीक है। विच डील्स अबाउट स्टडी ऑफ नेचर, प्रोडक्शन, लाइट कैसे आती प्रोड्यूस होती है उसका स्टडी करना, एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। ये हमारी इन सब चीजों के बारे में हम क्या करते हैं, ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स क्या होगा आपका, एक ब्रांच फिजिक्स का जो हमारा डील्स करता है इसके बारे में, स्टडी ऑफ नेचर, प्रोडक्शन और प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ये दिमाग में याद रखिए, कोई पूछता है ऑप्टिक्स है क्या चीज, तो आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब ऑप्टिक्स को दो, यानी जो हमारी ऑप्टिक्स है
इसके दो मेन ब्रांचेस हैं ऑप्टिक्स के अभी आपके ठीक। पहली ब्रांच होती है रे ऑप्टिक्स ठीक, दूसरा हमारा होता है वेव ऑप्टिक्स ठीक। यानी ऑप्टिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ब्रांचेस, यानी आप इंडिकेट कर लिख सकते हैं कि ऑप्टिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ब्रांचेस, पहला होगा रे ऑप्टिक्स, दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रे ऑप्टिक्स होता क्या है, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं। रे ऑप्टिक्स जो हमारा रे ऑप्टिक्स है, इसके अंदर हम लोग कंसर्ट करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में ठीक है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट यानी अभी आगे आप पढ़ेंगे कि लाइट जो है हमारा, इसके दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर होता है, वेव नेचर होता है ठीक है। तो जो हमारा रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स क्या कंसर्न करके बताता है कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यानी लाइट कब हमारा पार्टिकल की तरह बिहेव करता है ठीक है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्या कहेंगे, रे ऑप्टिक जैसे इट कंसर्न अबाउट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ठीक है। ये किसके बारे में कंसर्न करता है, पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। और ये जो पार्टिकल नेचर है ठीक है, ये टोटली बेस्ड ऑन सम फैक्टर, ये हमारा कुछ हमारे फैक्टर होते हैं जिसमें बेस्ड होता, पहला होता है रेक्टिलिनियर रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट ठीक। टोटली किस किस होगा, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। दूसरा हमारा जो बेस्ड होता है वह है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी इन चीजों को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन क्या है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। हो सकता है आपने 10th क्लास में स्टडी किया हो, थोड़ा सा दिमाग में जोर डालिएगा तो पता चलेगा दोनों चीजों के बारे में। तो अब इसको ध्यान से इसको देखिए कि रे ऑप्टिक्स हमारा क्या बताता है, ये कंसर्ट करता है, ये डील करता है किसके बारे में, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में। और ये जो पार्टिकल नेचर है लाइट का, ये टोटली बेस्ड होता है किस पे, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। और दूसरा क्या होगा हमारा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके अलावा
ये दोनों जो हमारे बेस्ड हैं, ठीक है, इस बेस्ड के, इन दोनों पॉइंट के बेस पे हम लोग ये दोनों, ये ऐसे कह सकते हैं कि जो ये दोनों हमारे पॉइंट हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये दोनों ही पॉइंट हमारे ये एक्सप्लेन करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज को, यानी जो हमारा इमेज बनता है मिरर के थ्रू या लेंस के थ्रू, उसके बारे में ये दोनों क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन का मतलब बताते हैं कैसा इमेज हमारा है, ठीक है, लेंस के थ्रू हो या मिरर के थ्रू हो, अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों क्या करेंगे, टू एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ इमेज, टू एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ इमेज विथ मिरर एंड लेंस, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको दिमाग में रखना है कि जो हमारा रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग, रे ऑप्टिक्स जो है किसके बारे में बता देगा, पार्टिकल लेंचर, पार्टिकल लेंचर दो पॉइंट पे बेस्ड होगा, रेक्टिलिनियर और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये दोनों पॉइंट हमारे क्या एक्सप्लेन करते हैं, इमेज फॉर्मेशन विथ मिरर एंड लेंस। इतनी बात समझ में आई होगी आपको। अब दूसरा चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पर, वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, वेव ऑप्टिक्स, ये क्या बताता है, इट कंसर्न अबाउट वेव नेचर ऑफ लाइट, किसके बारे में कंसर्न करेगा, कि जो हमारा वेव नेचर होता है लाइट के, उसके बारे में बताएगा, ठीक है। इट कंसर्न अबाउट वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। और ये भी क्या होगा, टोटली फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी कुछ पॉइंट है उस पर क्या होगा, बेस्ड होगा। पहला हमारा होगा इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस। दूसरा डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। तीसरा जो हमारा होगा वो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। यानी जब भी हम वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं तो वो इस पे बेस्ड होता है, इन तीनों पॉइंट पे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये हमारे आगे चैप्टर हैं होंगे जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें कि इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या है, पोलराइजेशन क्या है। यहाँ पे भी आपको इतना स्टडी करना है कि किस पे, किन किन पॉइंट्स पे बेस्ड होता है, इतना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा लाइट है, यानी जो हम लोग विजुअल लाइट की जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, विजुअल लाइट की जो वेवलेंथ होगी
ठीक है। यानी जो दिन के समय हम लोग देखते हैं, जो लाइट हमारे पास आती है, उस लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 3700 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, ठीक है। सॉरी एक मिनट, ये होगा 78, ठीक है, 100 एंगस्ट्रॉम। कई बार आपको मिलेगा ये जो हमारा 4000 एंगस्ट्रॉम है, यहाँ पर आपका 4000 की जगह 3700, यानी 3700 एंगस्ट्रॉम भी हो सकता है, क्योंकि इसका जो एक्सपेरिमेंट किया गया था स्टार्टिंग में, तो जो लाइट रेस अर्थ पे विजिबल लाइट रेस जो अर्थ पे मतलब जब पहुंची और उनके पहुंचने से जब ऑब्जेक्ट हमें दिखने लगे, तो उस लाइट रेस की जो वेवलेंथ देखी गई वो 3700 एंगस्ट्रॉम देखी गई। तो चूंकि हमारा नेचर है, ये नेचर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो उसके बाद भी लोगों ने जब फिर दोबारा एक्सपेरिमेंटली इसको डिस्कवर किया, तो जो विजुअलिटी जो हमें देखने को मिलती है, जैसे अब सुबह क्या होता है, हमें कब विजुअलिटी देखने को मिलती है कि जब लाइट रेस हमारा आता है, ठीक है, यानी लाइट रेस जब आएगा तभी हमें कोई चीज़ विजिबल होगा। तो विजिबिलिटी हमें तभी देखा गया जब उसकी वेवलेंथ क्या हुई, 4000 एंगस्ट्रॉम पर हुई। तो ये हमारा ये रेंज है, इस रेंज तक हमारा विजिबिलिटी पाया जाता है, ठीक है। यानी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ये है कि आप जब किसी चीज़ को विजिबल कर सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से या फिर 3700 एंगस्ट्रॉम से। तो इसके जगह दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं आप, करेक्ट होगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है, इतनी चीज़ें आप जो है लाइट के बारे में पढ़िए, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका था, ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन होना जरूरी है। और कब हम लोग लाइट है क्या चीज़ इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें आप पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब चीज़ें। चलिए सभी को थैंक्स।